गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 9 बजे है सुबह के और मैं अपने टेरेस पर आया हूँ थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद। आई होप आप अपने घर में सेफ होगी और मजे दे रहे होगे। नहीं, इस सीज़न में आप मज़े कैसे कर सकते हो, ये तो एग्ज़ाम सीज़न है और क्लास 10th और 12th वालों के एग्ज़ाम आने वाले होंगे, उनका बोर्ड्स है, उनका अलग ही प्रेशर है। और 11th वालों का तो एग्ज़ाम चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे, तो भाई सभी की वाट लगी पड़ी है इस टाइम पर। तो और मेरा भी कल काउंट्स का एग्ज़ाम है और मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है आज ही, और मेरे पास केवल एक दिन है और मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा अभी तक, तो मुझे आज ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं आज किस तरह से पढ़ता हूँ। अब नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं बैठा हुआ अपने स्टडी करने के लिए टेरेस पर ही आऊँगा, धूप में बैठूँगा। तो अभी मैं ले आया हूँ अपनी बुक अकाउंटेंसी की, इसको ओपन करते हैं और इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप कितनी बोरी हो रही है। एक्चुअली ना ये जब मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी तो ये पानी में भिगी हुई आई थी और उस टाइम पर काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी बुक्स, तो मैंने ये रिटर्न भी नहीं की थी, तो इस वजह से ये हालत हो गई है इस बुक की। कंडीशन इज़ वेरी वर्स, बट कोई नहीं, अब क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये 6 चैप्टर्स है मेरे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैपिटल रिवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है टिक लगाने के लिए, एक न्यूमेरिकल पोर्शन, एक थ्योरी पोर्शन। तो इन दोनों का थ्योरी हो गया, इसका भी थ्योरी हो गया है और इसका न्यूमेरिकल हो गया है। ये है मैं स्टेटस, तो अभी मुझे इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी करनी है और इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे देखते हैं कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन सभी चैप्टर्स की थ्योरी, क्योंकि थ्योरी काफ़ी जल्दी हो जाएगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी, तो देख चलिए करते हैं। ओके 20 पेज, ये काफ़ी चैप्टर छोटा सा है, काफ़ी इजीली हो जाएगा कवर। हाँ ये रहे हमारे वेरी शॉर्ट टाइप। अरे इसके आंसर्स तो मुझे बुक के अंदर से ही फाइंड करने पड़ेंगे, चलो कोई नहीं कर देंगे, और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा अब इसमें। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइस चलते हैं अब नाश्ता करने के लिए। सो गाइस फाइनली मैंने कैपिटल एंड रिवेन्यू चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 21। जी हाँ, सो गाइस फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब मेरी सारे चैप्टर्स की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरे बचे हैं न्यूमेरिकल्स 4 चैप्टर्स के, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। और टाइम हुआ है 12:35, तो अब मुझे ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, तो करते हैं इनको भी कंप्लीट जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 और लंच करने के बाद मैं सो गया था, तो अभी उठा हूँ बिल्कुल, तो अब न्यूमेरिकल्स करूँगा, देखते हैं कितना हो पाएगा। सो गाइस आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल नैप आई एम हियर ऑन माय टेरेस टू स्टडी माय रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अकाउंटेंसी। एंड गाइस फ्रॉम नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल मेक ब्लॉग्स इन हिंदी एंड अदर वीडियोज लाइक एजुकेशनल वीडियोज इन इंग्लिश, बिकॉज हिंदी में क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को काफ़ी रिलेटेबल तरीके से आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में
वी कांट सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड दिस बट इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉयिंग द व्लॉग इन हिंदी फाइनली मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर काफ़ी इजी आया था, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी इजी था, मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा तब भी काफ़ी अच्छा हो गया और देखते हैं कैसे मार्क्स आएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होएगी या नहीं होएगी। सो ये रहा अकाउंट्स का पेपर, 40 मार्क्स का पेपर था, 2 आवर्स का टाइम मिला था हमें और ये रहे हमारे क्वेश्चंस। Paper was very easy as you can see. So guys, if you enjoyed the vlog then you can like the video and if you want more vlogs in future then you can subscribe to my channel. So that's all for today guys. See you again in next video. Till then, bye bye.